पौड़ी में प्रस्तावित तारामंडल एवं माउंटेन म्यूजियम के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इस परिसर में साइंस एवं इको पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद रहते हुए तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय के निर्माण के लिए अपनी निधि से 15 करोड़ रुपए जारी किए थे। अब इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। स्थानीय व्यवसायी संजय वर्मा ने बताया कि तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय के निर्माण से न केवल पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में विकास एवं पर्यटन की गति तेज होगी, बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ इस क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस योजना का और अधिक व्यापक विस्तार किया जाएगा ताकि यह पर्यटन हब के साथ साथ उत्तराखंड का शैक्षणिक हब भी बन सके। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस योजना में 18 करोड़ 73 लाख रुपए की DPR तैयार हो चुकी है। परिसर तक पहुंच मार्ग एक बड़ी बाधा निर्माण कार्य को हटा दिया गया तथा पेड़ों की कटाई के बाद जल्द ही प्लेनेटेरियम एवं माउंटेन म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जी, इसमें DPR जो है कंसल्टेंट ने सबमिट कर दी है और DPR जो है 18 करोड़ 73 लाख की है और वो परीक्षण हेतु भेजी है अभी, और जैसी परीक्षण होकर आती है इसमें तुरंत जो है निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी। और अप्रोच रोड की हमने निविदा आमंत्रित कर ली है और जितनी भी सैद्धांतिक शर्तें मिली थी इसमें वन भूमि में वो सभी हमने कंप्लायंस कर दी है उसकी, और पेड़ों के पातन के लिए अनुरोध किया हमने। माननीय सांसद जी द्वारा जो यहाँ पर पहल की गई पलायन को रोकने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा हमारे क्षेत्र में काफ़ी पलायन हो चुका है और इसको रोकने के लिए सांसद जी द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर प्लेनेटोरियम हो गया और माउंटेन म्यूजियम की सौगात पौड़ी को दी है, जिससे हमें लगता है कि काफ़ी हद तक इसको रोकने के लिए कामयाब हो जाएंगे। और मैं तहे दिल से माननीय सांसद जी का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसकी ये सौगात हमारे पौड़ी वासियों को दी है और इसकी DPR जो है बन चुकी है और जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू किया जाएगा।